अक्षरा सिंह रितेश पांडे के साथ रिलेशनशिप में हैं और इसे लोगों से छुपा रही हैं। अगर इंडस्ट्री में कुछ लोगों की माने तो ये बात सच है कि अक्षरा सिंह और रितेश पांडे में कुछ तो पक रहा है, लेकिन ये अभी खुलकर सामने नहीं आना चाहते। वैसे कहा जा रहा है कि रितेश पांडे की तरफ से फीलिंग ज़्यादा है और अक्षरा सिंह को वो पहले से भी पसंद करते थे। इंडस्ट्री के कुछ लोगों की माने तो लगातार अक्षरा सिंह रितेश पांडे के साथ इसीलिए काम कर रही हैं क्योंकि रितेश पांडे हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को रेकमेंड कर रहे हैं अक्षरा सिंह का नाम। साथ ही साथ पवन सिंह के साथ जोड़ी टूटने के बाद रितेश पांडे ही भोजपुरी के इकलौते स्टार हैं जिनके साथ अक्षरा सिंह पहली बार नजर आई हैं। और वैसे भी अक्षरा सिंह ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में रितेश पांडे के साथ ही कर रही हैं। अमरीश सिंह के साथ उनकी एक फिल्म लव मैरिज है और तो सारी फिल्में रितेश पांडे के साथ ही हैं। या यूं कह ले कि आजकल ज्यादातर फिल्में अक्षरा सिंह और रितेश पांडे साथ ही कर रहे हैं। वैसे प्रदीप पांडे चिंटू के साथ भी अक्षरा सिंह जल्द ही नजर आएंगी, लेकिन रितेश पांडे को लेकर कहा जा रहा है कि अक्षरा और रितेश दोनों अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हैं। वैसे अपनी तरफ से अक्षरा सिंह लगातार ये बयान देती आ रही हैं कि वो सिंगल हैं और अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है। साथ ही साथ जब रिलेशनशिप की बात रितेश पांडे से भी की जाती है तो रितेश पांडे इसे सिरे से इनकार जाते हैं। उनका कहना है कि अक्षरा सिंह एक बहुत ही उम्दा कलाकार है, उनके साथ काम करना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उनके साथ उनका वो रिलेशन नहीं है जिस तरह से लोग देख रहे हैं। वैसे हम यहाँ ये कहेंगे कि लोग देखेंगे ही रितेश जी, आप दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी तो लगती है। साथ ही साथ YouTube पर एक दिन में आप दोनों के साथ में आए हुए जितने भी वीडियो हैं अच्छे व्यूज़ भी लाते हैं। सभी को आपकी केमिस्ट्री रील और रियल में फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।